यहाँ पर मेरे साथ वे भी हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को आकार लेते हुए देखा है, और मेरे साथ आप लोग भी हैं जिन्हें हिंदुस्तान नया बनाना है। दोस्तों आप एक चीज नोट करिए, आजादी के बाद ये विगत कुछ ये पिछले कुछ सालों में आप देखिए जो पॉलिटिक्स है वो बिगड़ता चला जा रहा है। मुझे कहते हैं बहुत दुख हो रहा है, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है कि इस देश में यदि कोई एक मेडल जीतता है, सोने का टुकड़ा लेकर आता है, तो उसे जो है 1 करोड़ रुपए मिलते हैं। और मेरा एक भाई मोहन चंद शर्मा जो कि शहीद आतंकवादियों से लड़ते हुए बाटला हाउस में शहीद हो जाता है, 14 साल का इकलौता बेटा जिसका अस्पताल में पड़ा रहता है और जिसकी 6-6 बहनों का इकलौता भाई वो शहीद हो जाता है, तो टोपी पहन के एक समाजवादी कहते हैं कि फर्जी एनकाउंटर था। अमर सिंह जी सलीका सीखिए, मैं उनसे आप लोग से बात कह रहा हूं और मैंने ये बात नेट पर कहा है, यदि आप कभी नेट एक्सेस करते होंगे तो आप सुने होंगे, मैंने नेट पर ये बात कहा कि अमर सिंह जी सलीका सीखिए, एनकाउंटर के अपने कानून होते हैं, कायदे होते हैं, ये दलाली की काली कमाई से खरीदी हुई खद्दर नहीं है जिसे पहनने के लिए कुछ लोगों के सामने सिर झुकाने हों, बल्कि यह एक शहीद की वर्दी है और इसकी कीमत आप नहीं समझ पाएंगे। विश्वास शर्मा का एक गीत लाता हूं और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोगों का साथ मिलेगा, आप सभी जवानों का, वो ये है। देखो दोस्तों ऐसा है कि यहां पर हम भले ही कुछ राजनेताओं के कहने पर हिंदी मराठी गुजराती हिंदू मुसलमान करते हों, लेकिन आप भी यह बात जानते हैं कि सीमा पर हम सब मिलजुल कर रहते हैं, एक अजब सी अपनापन होता है, एक भावना होती है जो हमें बांधे रहती है, उस भावना के नाम ये गीत है विश्वास शर्मा का कि शोहरत न अता करना मौला, शोहरत न अता करना मौला, दौलत न अता करना मौला, बस इतना अता करना चाहिए, वो भी नहीं चाहिए जो हर मुसलमान चाहता है हिंदुस्तान का, दौलत न अता करना चाहिए, जन्नत न अता करना मौला, क्या कि शम्मा है वतन के लो पर जब शम